टेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं स्टू। तो उसके लिए ये हमने आधा किलो बीफ का गोश्त ले लिया है। आप चाहें तो चिकन का या मटन का भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक किलो हमने प्याज ले लिया है, उसे इतना मोटा मोटा काट लिया है, इसमें ज्यादा ही प्याज पड़ता है। एक बाउल हमने दही ले लिया है और ये एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये एक टी स्पून सॉल्ट है और ये हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जो हम कलर के लिए डालेंगे। ये दो बड़े टमाटर हैं जिन्हें मैंने इतना मोटा मोटा काट लिया है। ये एक गड्डी हरे धनिए की है जिसे मैंने महीन महीन चॉप कर लिया है। 10-12 हरी मिर्चे हैं और ये यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं। 10-12 काली मिर्चे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 छोटी इलायची हैं, 4 लौंगे हैं, 1 टीस्पून सफेद जीरा है और ये एक फूल जावित्री का है जिसे मैंने क्रश कर लिया। 1/4 जायफल का टुकड़ा है जिसे हम क्रश करके डालेंगे। 5 खड़ी लाल मिर्चे हैं, 2 तेज पत्ते हैं और यहाँ पर एक टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया है जिसे हम ड्राई रोस्ट करके बाद में डालेंगे। तो आइए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गैस पे कुकर चढ़ा दिया और इसमें हमने 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। अब जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो देखिए तेल हमारा अच्छे से हो गया, धुआं देने लगा, गैस हमारी फुल है। तो पहले हम इसमें आधा प्याज डालेंगे, आधा बाद में डालेंगे क्योंकि आधा भूनेंगे आधा कच्चा डालेंगे। प्याज हल्का हल्का हमारा जब ब्राउन हो जाएगा, ज्यादा ब्राउन नहीं, जब हल्का हल्का तब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो देखिए हमारा प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, बस ये हमें इतना ही चाहिए। अब हम इसमें ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे और इन्हें जरा तलक जाने देंगे 1 मिनट तक। अब खड़े मसाले हमारे अच्छे तलक गए, अब ये हम यहाँ पर अब हम गोश्त डालेंगे। और इसे भूनेंगे, इसी में अदरक लहसुन डाल देंगे, नमक डाल देंगे और दही भी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक ये इसका कलर ना बदल जाए और ये अदरक लहसुन और दही ये अच्छे से भुन ना जाए और तेल ना छोड़ जाए। 5 मिनट भूनेंगे। तो देखिए इसे फुल गैस पे भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। तो गोश्त ने और दही ने जो पानी छोड़ा था वो हमारा सब सूख गया और ये अच्छे से तेल छोड़ गया। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और 1 मिनट तक इन्हें भी भूनेंगे टमाटर डाल के, जरा टमाटर थोड़े से गल जाए तब तक इसे हम भूनेंगे। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसमें कोई पाउडर मसाले नहीं पड़ते हैं, सारे खड़े मसाले पड़ते हैं। तो देखिए टमाटर को डाल के हमें भूनते हुए 1 मिनट हो गया। अब हम इसमें ये जो हमने प्याज बचाया था अब ये डाल देंगे। अब इसे भी डाल के 1 मिनट पकाएंगे ताकि प्याज थोड़ा नरम हो जाए और इसमें ये हम कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर डाल देंगे, हरी मिर्चे डाल देंगे। अब इसे हम 2 मिनट और भूनेंगे, फिर हम इसमें पानी डाल के और ढक्कन लगा के
इसमें कम से कम 5 सीटी लगाई तब आपको दिखाएंगे। तो देखिए प्याज डाल के भी हमने इसे 2 मिनट भून लिया, ये अच्छे से भून गया, इसमें अच्छी खुशबू आ रही। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। और ढक्कन लगा के 5 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। तो आइए इसे देखें, चेक कर लेते हैं। इसमें 5 विसिल आ गई हैं और इसको हमने एसी के प्रेशर में छोड़ दिया था। अब हम खोल के देखते हैं, गोश्त गला है कि नहीं, प्याज भी गल गया है, गोश्त गल गया अच्छे से। अब हम इसे भूनेंगे ताकि ये सब प्याज थोड़ा फूट जाए। तो इसे अब हम तेज गैस पे 5-10 मिनट भूनेंगे, तब तक इसका ये प्याज भूट जाए और थोड़ा पानी सूख जाए, जब तक इसे भूनेंगे। अब हम इसी में ये जो हमने सौंफ धनिए ड्राई रोस्ट करके जो हमने ये क्रश कर लिए थे, अब ये वो इसमें डाल देंगे। तो देखिए स्टू हमारा अच्छे से भुन गया है, प्याज भी भुन गया ये और तेल भी छोड़ गया, हमें ये इतना ही गाढ़ा चाहिए। ये देखिए अब हम इसमें हरे धनिया डाल देंगे। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कोई ज्यादा मसाले इसमें नहीं पड़ते, सारे खड़े मसाले पड़ते हैं और इतने कम टाइम में ये बहुत ही मजेदार स्टू बन के तैयार हो जाता। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया। अब हम आपको इसका फाइनल लुक डिश आउट करके दिखाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है मजेदार सा स्टू। इसे आप अपने किचन में जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी रेसिपी है ये, बहुत ही जल्दी कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है कम मसालों में। इसे आप चपाती के साथ, चाहे नान के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।